अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म गोरखा के पोस्टर में है गलती। गोरखा रेजिमेंट के ऑफिसर ने इस बारे में क्या खुलासा किया और अक्षय कुमार ने क्या कहा? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने हाल ही में अपनी फिल्म गोरखा की घोषणा की। ट्विटर हैंडल पर घोषणा करते हुए पोस्टर शेयर किया था। अब एक्स आर्मी ऑफिसर मेजर मानिक एम जोली ने पोस्टर में एक कमी निकाली है और अक्षय कुमार को ध्यान देने के लिए भी कहा है। अक्षय कुमार ने भी अपने रिएक्शन दिए हैं। गोरखा राइफल रेजिमेंट के ऑफिसर मेजर मानिक ने फिल्म गोरखा का पोस्टर शेयर किया। इसके साथ मेजर मानिक एम जोली ने लिखा, डियर अक्षय कुमार जी, एक पूर्व गोरखा ऑफिसर होने के नाते फिल्म को बनाने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हालांकि जानकारियां मायने रखती हैं, कृपया खुकरी को ठीक करें। दूसरी तरफ तेज धार है, ये तलवार नहीं है, खुकरी अंदर से वार करती है। आपके लिए खुकरी के प्रति दे रहा हूँ और साथ ही धन्यवाद। दोस्तों, तो उन्होंने एक खुरकी की वीडियो, एक मैसेज दिया है और वीडियो नहीं, एक इमेज शेयर की है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुरकी होती है असल में। तो दोस्तों, मेजर ने एक खुरकी का फोटो शेयर किया है। अक्षय कुमार ने मेजर माने के रिप्लाई करते हुए कहा, आदरणीय मेजर जोली जी, ध्यान में लाने के लिए धन्यवाद। हम फिल्म की शूटिंग करते समय पूरी सावधानी बरतेंगे। मैं फिल्म गोरखा बनाकर बहुत ही सम्मानित और गर्व महसूस कर रहा हूँ। इसे रियलिटी के करीब लाने के लिए किसी भी प्रकार का सुझाव का स्वागत है। अक्षय कुमार ने दशहरे के मौके पर फिल्म गोरखा की घोषणा करते हुए ट्वीट में लिखा था, कभी कभी आपको ऐसी कहानियाँ पता चलती हैं जो आपको प्रेरणा देती हैं और आप उन्हें बनाना चाहते हैं। लेजेंडरी वॉर हीरो मेजर जनरल एयान कार्डोजो के जीवन पर आधारित गोरखा एक ऐसी ही फिल्म है। एक आइकॉन का रोल निभाकर बेहद खुश और सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। आपको बता दें, अक्षय कुमार महान युद्ध नायक मेजर जनरल एयान कार्डोजो की भूमिका निभाएंगे, जिन्होंने 1962-1965 के युद्धों में, विशेष रूप से 1971 के भारत पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी थी। मेजर जनरल एयान कार्डोजो ने बांग्लादेश के सिलहट की लड़ाई में पाकिस्तानी सैनिकों की हालत खराब करके रख दी थी। साल 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान सेना के खिलाफ लड़ते हुए उनका एक पैर लैंडमाइन ब्लास्ट में बुरी तरह से जख्मी हो गया। उन्हें इलाज नहीं मिल सका तो उन्होंने खुद खुकरी से अपना पैर काट दिया। पैर गंवाने के बावजूद भी वो इंडियन आर्मी के पहले डिसेबल अफसर बने और एक बटालियन को कमांड किया। पाक युद्ध में बहादुरी के लिए उनको सेना मेडल नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें अति सेवा विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया गया।